हेलो फ्रेंड्स, आज हम ड्वेलिटी का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं और ड्वेलिटी का केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस भी आपको देखने को मिलें तो काइंडली बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ड्वेलिटी के केस में हम अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन। तो अगर आपकी प्राइमल प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट्स की टाइप्स हैं, वो कंस्ट्रेंट्स की 3 टाइप्स होती हैं। कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हो सकती हैं, इक्वल टू कंस्ट्रेंट हो सकती है, और ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की कंस्ट्रेंट हो सकती है। तो मैंने इस प्रॉब्लम में तीनों टाइप्स की कंस्ट्रेंट ली हैं। आप देखिएगा कि इस प्रॉब्लम के अंदर लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स भी हैं, कंस्ट्रेंट भी है, इक्वल टू कंस्ट्रेंट भी है और ग्रेटर देन, तीनों केसेस मैंने इस प्रॉब्लम के अंदर इम्पोज कर दिए हैं। जहाँ तक वेरिएबल्स का ताल्लुक है तो वेरिएबल भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक्स वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं, और ये वेरिएबल्स लेस देन इक्वल टू भी टाइप हो सकती है और अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप भी हो सकती है। तो वेरिएबल की 3 टाइप्स होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 और अनरिस्ट्रिक्टेड। हम अभी इस केस में सिर्फ एक टाइप के ही वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे और वह है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अनरिस्ट्रिक्टेड और लेस देन इक्वल टू को नेक्स्ट सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करेंगे। तो अभी आप समझ लें कि वेरिएबल्स आपके एक ही टाइप के हैं और कंस्ट्रेंट्स जो 3 टाइप्स हो सकती हैं पॉसिबल, तीनों टाइप्स की कंस्ट्रेंट हमने प्राइमल प्रॉब्लम में ली है। एक और हमने चेंज की है, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया है, मिनिमम प्रॉब्लम के तौर पे। तो अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो मैंने उस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम लिया है और कंस्ट्रेंट्स की तीनों टाइप्स ली हैं, आपकी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। सबसे पहला टास्क हमारा होता है कि हमारे पास ये जो प्राइमल है, जो प्राइमल प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको प्राइमल स्टैंडर्ड में लेके आना है। तो प्राइमल स्टैंडर्ड क्या होता है? प्राइमल स्टैंडर्ड, ये डेफिनेशन इधर मौजूद है, वो प्रॉब्लम प्राइमल स्टैंडर्ड में होगा जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का हो। तो आपका प्राइमल मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए। एक कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म की ये होगी, दूसरी कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या होगी? आपके तमाम वेरिएबल, तमाम कंस्टेंट्स आपकी वो लेस देन इक्वल टू टाइप की होनी चाहिए। तमाम कंस्टेंट्स लेस देन इक्वल टू की टाइप में होनी चाहिए। जहाँ तक वेरिएबल्स का ताल्लुक है तो तमाम वेरिएबल्स ग्रेटर देन टाइप की होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम चेक करना चाहें कि क्या हमारा ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्राइमल में है या नहीं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे है स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइमल की टाइप मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का, जबकि इधर मिनिमम का है। इसका मतलब है हमें इसको मिनिमम से मैक्सिमम बनाना है। दूसरी कंडीशन को फुलफिल करना है, इसमें आपकी कंस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है लेस देन इक्वल टू टाइप, जबकि तमाम कंस्टेंट्स की टाइप होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू, जबकि इधर फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो लेस देन इक्वल टू की टाइप है, जबकि कंस्ट्रेंट नंबर 2 और कंस्ट्रेंट नंबर 3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट को आपने लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट में चेंज करना है। तो शुरू करते हैं अपने, क्योंकि अच्छा जो इसकी ज़रूरत है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लेके आते हैं? तो अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम आ जाता है तो इसको डुअल में कन्वर्ट करना निस्बतन आसान होगा। हाँ, डुअल की वो फॉर्म नहीं होगी जो एक्चुअल रिक्वायर्ड फॉर्म होगी, तो बाद में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हम एडजस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होगी जब हमारा प्रॉब्लम प्राइमल प्रॉब्लम स्टैंडर्ड में आ जाएगा और उसको हम
स्टैंडर्ड फॉर्म से डुअल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर डुअल को देखेंगे क्या हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं होगी तो कुछ एडजस्टमेंट के साथ हम उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टेप्स होंगे, आपका जो गिवन प्रॉब्लम है जिसको हम ओरिजिनल प्रॉब्लम कहते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, स्टेप नंबर वन होगा। स्टेप नंबर टू में स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। और स्टेप नंबर थ्री में हम देखेंगे कि क्या हमारी डुअल फॉर्म रिक्वायर्ड है या नहीं, रिक्वायर्ड फॉर्म को मीट करती है या नहीं। तो उसकी थर्ड स्टेप में हम उसको एडजस्ट करेंगे, उसको रीशेप करेंगे, तो फिर आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम को। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि आपका प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में होना चाहिए। तो उसका फर्स्ट स्टेप है प्राइमल आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिर हम सेकंड पॉइंट के तमाम वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होने चाहिए और तमाम कंस्ट्रेंट्स आपकी लेस देन इक्वल टू टाइप होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा कि प्राइमल हमारा मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो गिवन मिनिमम है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि इसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम प्रॉब्लम को मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। तो मिन जी आपका इक्वल होता है माइनस मैक्स जी के। जस्ट आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको दूसरी फॉर्म मिल जाएगी। तो मिनिमम को अगर आप इस साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपके पास ये था मैक्स जी इक्वल टू 0.4x1 प्लस 0.5x2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 0.4x1 माइनस 0.5x2। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था प्राइमल को मैक्सिमाइजेशन करना। तो हमारा अब न्यू मैक्स हो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्स जी इक्वल टू माइनस 0.4x1 माइनस 0.5x2। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसको कन्वर्ट करके दिखा दिया, आपका ये ओरिजिनल प्रॉब्लम था मिनिमम ऑब्जेक्टिव के साथ, उसको कन्वर्ट कर दिया मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में, तो आपके पास ये रिजल्ट आया। सेकंड स्टेप हमारा क्या था जिसको मैंने बी पार्ट कहा है, आपके तमाम वेरिएबल्स किस टाइप के होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप। तो अगर आप प्रॉब्लम के अंदर देखें ऑलरेडी आपके पास ये डिजायर्ड फॉर्म मौजूद है, तो इसका मतलब है इस स्टेप को आप करने की एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सी सी पार्ट के अंदर आप कहेंगे हमारी तमाम कंस्ट्रेंट्स किस टाइप की होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू की टाइप। तो हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो डिजायर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सेकंड कंस्ट्रेंट और थर्ड कंस्ट्रेंट ये आपकी डिजायर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे लेस लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में। तो ये इक्वल टू कंस्ट्रेंट को भी रिप्लेस करेंगे और इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लेके आएंगे जिसको लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में लिखा जाएगा, और ग्रेटर देन को भी हम रिप्लेस करेंगे लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में। कैसे करने हैं उसको ज़रा देखते हैं। जैसे कि आपको पता है आपके पास जो इक्वल फॉर्म होती है इसको जब अगर हम कंस्टेंट इनइक्वालिटी में चेंज करेंगे तो इक्वल टू जो फॉर्म है ये इक्विवेलेंट होती है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसकी एग्जांपल समझने के लिए हम दूसरी शीट पे जाते हैं। फर्ज करें आपके पास ये है एक्स इक्वल टू 8 है, तो एक्स इक्वल टू 8 को हम एक्स
लेस देन साइन उधर से पिक कर लेते हैं। लेस देन इक्वल टू एट, और इसी को हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन साइन के साथ। जी आपका, अगर आपके पास एक वेरिएबल है x इक्वल टू एट, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है x लेस देन इक्वल टू एट और x ग्रेटर देन इक्वल टू एट। उसकी रीज़न क्या है? x लेस देन इक्वल टू एट का मतलब होता है कि x वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हो सकती हैं वो हैं माइनस इन्फिनिटी टू एट, यानी आपका x या तो एट है या एट से लेस है। x ग्रेटर देन इक्वल टू एट को अगर आप देखें तो इसकी मीनिंग ये बनेगी कि आपका x या तो एट है या एट से ग्रेटर है, यानी ए टू प्लस इन्फिनिटी। तो अगर दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड करवाएं तो कॉमन एट ही निकलेगा। तो अगर आपके पास है x लेस देन इक्वल टू एट और x ग्रेटर देन इक्वल टू एट, तो इसका मतलब है आपके x की एक ही वैल्यू है और वो है एट। तो सेम इसी मेथड को अगर अडॉप्ट करते हैं तो ये आपके पास जो कंस्टेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सिक्स है, तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है ये लेस देन इक्वल टू सिक्स भी होगी और यही लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स भी होगी। तो आप इसको इनइक्वालिटीज़ में चेंज करना चाह रहे थे और लेके आना चाह रहे थे लेस देन इक्वल टू, तो ये आ जाएगी फर्स्ट कंस्टेंट तो लेस देन इक्वल टू सिक्स है डिजायर्ड फॉर्म, लेकिन सेकेंड जो फॉर्म है ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, तो इसका मतलब है इसको आपने इस नेक्स्ट आपका काम रह जाएगा कि इसको भी आपने लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में रिप्लेस करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग कर देख लेते हैं वर्किंग साइड पे। अगर आपके पास एक्स आपका ये कह लें आप, मैं इसी को ले लेता हूँ, इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं। मैं लेता हूँ सेवन लेस देन इक्वल टू एट, बिल्कुल सेवन लेस देन इक्वल टू एट, तो ये होल्ड कर रही है। अगर मैं दोनों साइड्स पे माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास माइनस साइन ग्रेटर देन होता है माइनस एट से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों साइड्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर आपने आपके पास इधर अवेलेबल है, आप ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल टू में चेंज करना चाहते हैं, तो आप दोनों साइड्स को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इनइक्वालिटी रिप्लेस हो जाएगी। ये अगर देखा जाए तो मैंने इसको उसी फॉर्म में लिखा है और इसको लेस देन में चेंज करने के लिए दोनों साइड से माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये देखें प्लस 0.5x1 था, ये माइनस 0.5x1 माइनस 0.5x2, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और राइट हैंड साइड माइनस सिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास अगर इक्वल कंस्टेंट है तो इसको अगर आपने लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो उस इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म बनेगी ये वाली लेस देन इक्वल टू सिक्स, और दूसरी जो ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स है वो माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन में कन्वर्ट होने के बाद ये फॉर्म आएगी। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम ये लिखने से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म अचीव हो जाएगी। तो थर्ड कंस्टेंट जो थी इसके लिए हमने फॉर्म बना लिए। थर्ड कंस्टेंट हमारी ग्रेटर देन है तो इसको अगर लेस देन करना है वही मेथड, दोनों साइड्स पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपकी सेकंड कंस्टेंट
ये वाली सेकंड, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म जो स्टैंडर्ड प्राइमल में होगी ये होगी, और जो आपकी थर्ड कंस्टेंट है ग्रेटर देन टाई, उसको दोनों साइड से माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी। तो अब हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम जो प्राइमल है उसमें ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ये मैंने उसको दिखाने की कोशिश की है, आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के बाद ये लेस देन इक्वल टू का प्रॉब्लम था, आपने इसको रिप्लेस कर दिया इन दो कंस्टेंट से, तो ये आपका इक्वल इससे रिप्लेस हो गया, ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ये फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब है इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में हमने इसको भी लेस देन बना लिया और इसको भी लेस देन बना लिया। अब आपके पास ये जो फॉर्म आई है ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म इसको कहा जा सकता है। स्टैंडर्ड प्राइमल दोबारा से देखें, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ये मौजूद है, सारी कंस्टेंट्स किस टाइप की होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू वो हमने कन्वर्ट कर लिया है, वेरिएबल्स किस फॉर्म में होने चाहिए, किस टाइप में, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। तो इसका मतलब है हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये आपके पास प्राइमल जो प्रॉब्लम था वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्राइमल की फॉर्म में मौजूद है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में हमने ये सीखना है कि स्टैंडर्ड प्राइमल से डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम डुअलिटी के रूल्स अप्लाई करेंगे, और सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि डुअल में कन्वर्ट करने से पहले आपका प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना ली डुअलिटी के लिए। अगर आप देखें तो डुअलिटी के लिए हम क्या करते थे, हर कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट एक डुअल वेरिएबल अटैच करते थे। तो इस कंस्ट्रेंट से एसोसिएटेड एक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया y1, इस कंस्ट्रेंट के साथ हमने एसोसिएट कर दिया y2, सेकेंड कंस्ट्रेंट के लिए हमने y3 ले लिया, और फोर्थ कंस्ट्रेंट के लिए y4। अब हम आसानी से डुअल की तरफ जा सकते हैं, और आपने जैसे देखा होगा अगर प्राइमल में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम है तो डुअल में मिनिमम होगा। z को हम w से चेंज कर देते होते हैं, और राइट हैंड साइड हम ये कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की राइट हैंड साइड को बनाते थे। आपको याद होगा मैंने दूसरे लेक्चर में एक और एंगल से भी इसको बताने की कोशिश की थी, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है तो हमने एस्टिमेशन की थी सेकंड लेक्चर में, तो ये जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव होता है ये एक्चुअली मिनिमम अपर बाउंड होती है। तो आप सेकंड लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इधर जस्ट हम कन्वर्जन की बात करेंगे, तो सिंपली कन्वर्जन देखें, मैक्सिमम मिन में चेंज हो गया, जी डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया इक्वल टू, और राइट हैंड साइड आपकी कैसे बनेगी, 2.7 को मल्टीप्लाई कर दें y1, और हमने लेक्चर नंबर 2 में इनको मल्टीप्लायर भी कहा हुआ था। तो फिलहाल आप इसको डुअल वेरिएबल लें, इधर 2.7 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस मल्टीप्लायर के साथ, यानी 2.7 y1 प्लस 6 y2, ये आपको ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो 2.7 y1 प्लस 6 y2 प्लस 6 y2 माइनस 6 y3 माइनस 6 y3 माइनस 6 y4 माइनस 6 y4, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया। और आपकी कंस्ट्रेंट्स ड्यूअल की कहाँ से निकलती हैं, आपके प्राइमल प्रॉब्लम के कॉलम से, x1 कॉलम से हमारी एक कंस्ट्रेंट निकलेगी ड्यूअल की, और दूसरी ड्यूअल की कंस्ट्रेंट हमारी x2 कॉलम से निकलेगी। और उसके लिए क्या रूल है, आपने ये जो कॉफिशेंट है x का, इसके साथ मल्टीप्लायर डुअल वेरिएबल जो जिसको डुअल वेरिएबल भी कहते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 0.3 y1, ये देखें 0.3 y1, 0.5 y2, इधर देखने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड कंस्ट्रेंट का वेरिएबल y2 होगा, 0.5 y2 माइनस 0.5 y3
माइनस 0.6 वाई फोर। तो ये आपकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन की लेफ्ट हैंड साइड बन गई। तो यहां से फर्स्ट डुअल की फर्स्ट कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड बन रही 0.3 y1 प्लस 0.5 y2 माइनस 0.5 y3 माइनस 0.6 y4। ये लेफ्ट हैंड साइड है डुअल कंस्ट्रेंट की, और राइट हैंड साइड में ये x1 जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है ये आएगा माइनस 0.4 माइनस 0.4। जहाँ तक इस कंस्टेंट का इनइक्वालिटी का ताल्लुक है, तो आपके पास प्राइमल में सारी कंस्टेंट लेस एन इक्वल टू होनी चाहिए, और डुअल में सारी कंस्टेंट्स, क्योंकि मिनिमम प्रॉब्लम है तो मिनिमम के केस में सारी कंस्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। क्योंकि हम पहले से देख चुके हैं अगर हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी है, अगर मेन प्रॉब्लम है फिर भी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो आपकी फॉर्म ऑब्जेक्टिव की मैक्स है या मेन, तो आपने उसको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव और लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद डुअल में आना है। तो ऑलवेज आपका ऑब्जेक्टिव मेन होगा डुअल में, और कंस्ट्रेंट सारी की सारी ग्रेटर देन इस मेन की डिजायरेबल फॉर्म, राइट। तो ये यहाँ से कंस्ट्रेंट हमने निकाली, फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट इधर से निकलेगी 0.1 y1, ये देखिएगा, प्लस 0.5 y2, ये इधर है, माइनस 0.5 y3, ये फॉर्म आ गई, माइनस 0.4, ये। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी डुअल की बन गई, और राइट हैंड साइड क्या होगी, x2 का कोएफिशिएंट जो ऑब्जेक्टिव में है ये है माइनस 0.5, और इनइक्वालिटी क्या होगी, ग्रेटर देन, क्योंकि ये मिन की डिजायरेबल फॉर्म है, राइट। बाकी ये जो डुअल वेरिएबल्स होंगे, फोर डुअल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, y1 y2 y3 y4, तो ये सब के सब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। तो ये डुअल का बड़ा सिंपल रूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से मैंने इसको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला था हमारा प्रॉब्लम प्राइमल में, ओरिजिनल प्रॉब्लम प्राइमल में था, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया, और स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप के स्टैंडर्ड प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट किया, और अब थर्ड स्टेप होगा कि क्या ये डुअल हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है या नहीं, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं, उसको देखते हैं। तो थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं कि क्या हमें आंसर मिल गया या इसमें कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, उसको चेक करने के लिए आप ओरिजिनल प्रॉब्लम इधर रखेंगे। ये तो वो था जो हमारा आंसर आया स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड को आपने इधर से हटा दिया, तो स्टैंडर्ड से जो डुअल आ गया उसको मैंने इधर लिख दिया, और अपना ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टार्ट पे जो लिखा हुआ था वही उठा के इधर लिख दिया। क्यों, ओरिजिनल प्रॉब्लम ही बताएगा कि क्या हमारा डुअल कंप्लीट सॉल्व हो चुका है या इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। रूल क्या है, जैसे हमने देखा था अगर तीन कंस्टेंट्स हों ओरिजिनल प्रॉब्लम, ये स्टैंडर्ड प्राइमल नहीं है, प्राइमल है ओरिजिनल प्राइमल, अगर हमारे पास तीन कंस्टेंट्स हैं प्राइमल में तो डुअल में थ्री वेरिएबल्स होंगे। ज़रा चेक करें, थ्री कंस्टेंट्स, डुअल में थ्री की बजाय फोर वेरिएबल्स हैं, y1 y2 y3 y4। इसका मतलब है इधर दो वेरिएबल मर्ज होके एक वेरिएबल बनाएंगे, ये फॉर्म हमें चाहिए होगी। थ्री कंस्टेंट्स के अगेंस्ट डुअल में थ्री वेरिएबल्स होने चाहिए। एक तो यहाँ से पता चला कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। दूसरा स्टेप, टू वेरिएबल हैं प्राइमल में तो टू वेरिएबल के अगेंस्ट डुअल में टू कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए, ये टू कंस्ट्रेंट है, इसका मतलब है इधर एडजस्टमेंट नहीं चाहिए फिलहाल। टू वेरिएबल इन प्राइमल, टू कंस्ट्रेंट्स इन डुअल, ये फॉर्म कंप्लीट है। तो इसका यहाँ से ये बात ज़रूर पता चल गई है कि आपकी डुअल में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अभी थोड़े से रूल्स हम देखेंगे, रूल्स क्या हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम लेता हूँ, इन्हीं रूल्स की बेस पे
हम अपने ड्यूअल को एडजस्टमेंट के बाद फाइनल आंसर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये अगर आपका, मैं केस लेता हूँ फर्स्ट केस प्राइमल, तो इसको ड्यूअल प्रॉब्लम में भी चेक किया जा सकता है। अगर प्राइमल प्रॉब्लम है और वो मैक्सिमाइजेशन है, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम की बात हो रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइमल में तो मैक्सिमम और सारी लेस देन इक्वल टू कंस्टेंट होती हैं, जबकि ये फॉर्म आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ है। अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का है, तो उसमें लेस देन इक्वल टू कंस्टेंट इस मैक्सिमम के हिसाब से डिज़ायरेबल है। अब डिज़ायरेबल की फॉर्म को पहले ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए जो डिज़ायरेबल कंस्टेंट होती है, वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में होनी चाहिए। और जो मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, अगर ये ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का हो, तो उसके लिए डिज़ायरेबल फॉर्म क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्टेंट की जो डिज़ायरेबल फॉर्म है वो ग्रेटर देन होती है। अब हम ज़रा देखते हैं, मैक्सिमम अगर आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का है, तो उसमें अगर कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू है, तो मीन डिज़ायरेबल है, तो इस कंस्टेंट के साथ दूसरे प्रॉब्लम में, ड्यूअल में, जो वेरिएबल, क्योंकि कंस्टेंट से एसोसिएटेड वेरिएबल होता है, तो इस कंस्टेंट को वेरिएबल के साथ मैच करना है। तो अगर आपके पास कंस्टेंट डिज़ायरेबल है, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड वेरिएबल होगा वो भी डिज़ायरेबल होना चाहिए। जाहिर है ये प्रॉब्लम ड्यूअल में मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम की डिज़ायरेबल फॉर्म ग्रेटर देन होती है, तो वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा इससे एसोसिएटेड। और अगर इक्वल कंस्टेंट होगी, उस केस में मैक्सिमम है या मिनिमम एक ही रूल है, अगर कंस्टेंट की टाइप इक्वल है, तो इसके अगेंस्ट जो वेरिएबल होगा इससे एसोसिएटेड ड्यूअल में, वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, अनकंस्टेंट भी लिखते हैं उसको। तीसरा, अगर आपके पास कंस्ट्रेंट की फॉर्म ग्रेटर देन है और ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है, मींस ये अनडिज़ायरेबल फॉर्म है, मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट मैक्सिमम की अनडिज़ायरेबल फॉर्म होती है, अगर ये इधर कंस्ट्रेंट अनडिज़ायरेबल है, तो इससे एसोसिएटेड ड्यूअल वेरिएबल भी अनडिज़ायरेबल होना चाहिए। और वेरिएबल अनडिज़ायरेबल क्या होते हैं? लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो जो वेरिएबल्स हैं वो डिज़ायरेबल हैं, और प्रॉब्लम मिनिमम है या मैक्सिमाइजेशन, तो वेरिएबल्स जो है अगर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हैं, तो ये अनडिज़ायरेबल फॉर्म होगी। तो ये केस था आपका कंस्ट्रेंट के हिसाब से। तो वेरिएबल्स का केस भी हम देखते हैं। अगर वेरिएबल्स डिज़ायरेबल हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो डिज़ायरेबल होते हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो कंस्ट्रेंट है वो भी डिज़ायरेबल होगी। तो अब आपका मिनिमम में डिज़ायरेबल क्या होगा? ग्रेटर देन फॉर्म। तो कंस्ट्रेंट की टाइप जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो डिज़ायरेबल होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल प्राइमल में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के साथ ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो डिज़ायरेबल है। अगर आपका वेरिएबल अनकंस्ट्रेंट है, अनकंस्ट्रेंट या अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, तो उससे एसोसिएटेड जो कंस्ट्रेंट होगी ड्यूअल में, वो इक्वल होनी चाहिए। देखें, इक्वल कंस्ट्रेंट वेरिएबल, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, और इधर इक्वल कंस्ट्रेंट। अगर आपका वेरिएबल ओरिजिनल प्रॉब्लम में अनडिज़ायरेबल है, एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे एसोसिएटेड जो कंस्ट्रेंट होगी वो भी अनडिज़ायरेबल होगी। तो मिनिमम प्रॉब्लम में अनडिज़ायरेबल फॉर्म लेस देन इक्वल टू होती है। ये टेबल में रूल्स तो मैंने आपको बता दिए, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम से मिनिमम में। अगर मिनिमम से मैक्सिमम में होगा, तो रूल उसी तरह डिज़ायरेबल फॉर्म डिज़ायरेबल में, वेरिएबल में चलेगी, और अनडिज़ायरेबल फॉर्म अनडिज़ायरेबल में चेंज होगी। तो प्रॉब्लम के अंदर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये रूल्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। हम प्रॉब्लम की तरफ वापस चलते हैं। इसको मैंने एडजस्टमेंट का नाम दिया। आपके पास ये ड्यूअल आपने स्टैंडर्ड प्राइमल से निकाला है, बस हमारा आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड फॉर्म हमें चाहिए। तो अभी हम इस को सिर्फ एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट में पहली फॉर्म क्या थी? आपके पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था, ओरिजिनल प्रॉब्लम ज़रा देखिएगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम आपका मिनिमम का है,
ओरिजिनल प्रॉब्लम अगर मिनिमम का है तो ड्यूअल में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, जबकि इधर मिनिमम है। तो इसका मतलब है हम जो ड्यूअल को चेंज करने लगे हैं, एडजस्ट करने लगे हैं, तो हम ओरिजिनल प्रॉब्लम को देख के डिसाइड किया कि इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? ओरिजिनल प्रॉब्लम में मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जो हमें स्पेसिफिकेशन से हमने कंस्ट्रक्ट किया, फॉर्मुलेट किया प्रॉब्लम को, वो मिनिमम है। तो ड्यूअल में डेफिनेटली ये मैक्सिमम होना चाहिए। शुरू में ये क्योंकि प्रॉब्लम ओरिजिनल प्रॉब्लम से हमने स्टैंडर्ड प्राइमल और स्टैंडर्ड से ड्यूअल लिया हुआ है तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अब उसको एडजस्ट करना है कि ओरिजिनल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन का है, तो ड्यूअल क्या होगा? मिनिमाइजेशन। वो एडजस्टमेंट हम इधर कर रहे हैं, तो मिनिमम को मैक्सिमम बनाना है, तो दोनों साइड्स को, ये सॉरी राइट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेन मैक्स में चेंज हो गया और ये वेरिएबल्स ये प्लस है, माइनस 2.5y1 हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस है, ये प्लस में चेंज हो गया, और ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमने पहली एडजस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कर ली, और वो देख किसको रहे हैं? हम ओरिजिनल प्रॉब्लम को। जब भी आपने ड्यूअल आपका आंसर आ चुका है, इसको रीशेप करना है और इसको रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो कंपैरिजन आप चेक करेंगे ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम हमारा, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम आपका मेन टाइप का है तो ड्यूअल मस्ट बी ऑफ मैक्सिमम टाइप। सेकेंड, हम वन बाई वन देखेंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ चुकी थी, ये मैंने वो रिज़ल्ट लिया जो हम इधर लेके आ चुके हैं। यहाँ से एडजस्टेड जो रिज़ल्ट है वो ये एडजस्टमेंट के साथ। अब मैं इसी रिज़ल्ट को दोबारा इधर लिख रहा हूँ, ये मैक्स की फॉर्म में, और दूसरा रूल चेक करते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम में क्या था? फर्स्ट कंस्ट्रेंट ओरिजिनल प्रॉब्लम में ज़रा चेक करते हैं। ओरिजिनल में फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू है, और प्रॉब्लम क्या है? मिन का। तो मिन प्रॉब्लम में ओरिजिनल आपके पास, ओरिजिनल प्रॉब्लम में फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिज़ायरेबल है, मिनिमम में डिज़ायरेबल होती है ग्रेटर देन। तो ये कंस्ट्रेंट अगर अनडिज़ायरेबल है तो ड्यूअल में इससे एसोसिएटेड जो वेरिएबल होगा, फर्स्ट कंस्ट्रेंट से एसोसिएटेड वेरिएबल हमने y1 लिया हुआ है, तो वो भी अनडिज़ायरेबल होना चाहिए। ये रूल हम, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो आपने ये देखना है, वन बाई वन सारी कंस्ट्रेंट्स को हम चेक करेंगे। पहले कंस्ट्रेंट को हम चेक करेंगे कि अगर ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट में आपके पास इनइक्वालिटी है, ये मिन के साथ अनडिज़ायर्ड है, तो ड्यूअल में जो इसका वेरिएबल होगा वो y1 होगा, वो भी अनडिज़ायरेबल होना चाहिए। ज़रा देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मेरे पास ये ड्यूअल फॉर्म है, ओरिजिनल में मैंने देख लिया फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिज़ायरेबल है, तो ड्यूअल में फर्स्ट वेरिएबल आपका ये है। यहाँ मैंने ओरिजिनल फॉर्म नहीं लिखी, ओरिजिनल फॉर्म को मैंने इधर दिखाया। फर्स्ट कंस्ट्रेंट अगर अनडिज़ायरेबल है तो ड्यूअल का जो y1 है वो भी अनडिज़ायरेबल होना चाहिए। तो आपके पास ये ड्यूअल हमने कैलकुलेट किया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइमल के ज़रिए। अब हमें ये पता चला कि ये हमारा वेरिएबल ड्यूअल में अनडिज़ायरेबल होना चाहिए, क्योंकि प्राइमल जो ओरिजिनल है उसमें फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिज़ायरेबल है। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो में, अनडिज़ायरेबल। तो लेस देन इक्वल टू कन्वर्ट ग्रेटर देन, अभी आपका y1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, टू कन्वर्ट ग्रेटर इन टू लेस देन, तो रिप्लेस y1 एज -y1 डैश। तो आपने इसको लेस देन बनाने के लिए पूरे मॉडल के अंदर जहाँ y1 यूज़ हो रहा है, कंस्ट्रेंट्स के अंदर भी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी, तो उसको साइन चेंज करके आप y1 डैश की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये -2.7y1 है, तो -y1 को आपने y1 डैश ले लिया, 0.3y1 है, इसको आप साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा -0.3y1 डैश। यहाँ भी आप y1 की जगह पे माइनस
y1 डैश ले लें। तो ये सारी एडजस्टमेंट अगर आप करते हैं कि इधर आप माइनस लेते हैं तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.7 y1 डैश। और इनके अगर आप y1 डैश में इसको लेके आना चाहें तो इनके साइन चेंज कर दें। अब आप इस वेरिएबल को लेस देन लिख सकते हैं, तो आपने इस y1 की को रिप्लेस कर दिया माइनस y1 से, वो इधर आके लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, और इनके साइन चेंज करके y1 की जगह पे आपने y1 डैश इंट्रोड्यूस करवा दिया एक साइन चेंज करके, और ये ऑब्जेक्टिव में भी और कंस्ट्रेंट्स में। तो इसका मतलब है ये रिक्वायर्ड फॉर्म आप ले आए। आपकी पहली कंस्ट्रेंट क्या कह रही थी, ये अनडिज़ायरेबल है फर्स्ट कंस्ट्रेंट, तो डुअल का फर्स्ट वेरिएबल y1 भी अनडिज़ायरेबल होना चाहिए, और आपने उसको अनडिज़ायरेबल बना दिया। जो उसकी एडजस्टमेंट चाहिए थी वो भी एडजस्ट कर दी। तो अब आपका यहाँ तक ये प्रॉब्लम यहाँ तक एडजस्ट हो चुका है। अब इसी प्रॉब्लम को आगे लेके चलते हैं, इसको मैं रीराइट करने लगा हूं इधर, और सेकंड कंस्ट्रेंट को चेक करना है। मैंने फर्स्ट कंस्ट्रेंट को चेक करके फर्स्ट वेरिएबल डिसाइड कर लिया, सेकंड कंस्ट्रेंट को चेक करके देखना है कि जो हमने डुअल प्राइमल से जो प्राइमल स्टैंडर्ड से जो डुअल लिया है क्या वो हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं। क्यों, ओरिजिनल प्रॉब्लम में अगर कोई कंस्ट्रेंट इक्वल है तो उससे एसोसिएटेड वेरिएबल, जाहिर है ये सेकंड कंस्ट्रेंट है तो सेकंड वेरिएबल की बात होगी, वो अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ये हम रूल्स में हम चेक कर चुके हैं, हम पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर आपके पास ये इक्वल कंस्ट्रेंट है तो डुअल का जो वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो ज़रा अनरिस्ट्रिक्टेड उसको बनाना होगा। आपके पास ये जो प्रीवियस स्टेप में आपने फर्स्ट कंस्ट्रेंट से एसोसिएटेड वेरिएबल को रिक्वायर्ड फॉर्म में ले आए, नेक्स्ट स्टेप सेकंड कंस्ट्रेंट का है और सेकंड कंस्ट्रेंट ओरिजिनल प्रॉब्लम में इक्वल है, तो आपने उससे एसोसिएटेड वेरिएबल डुअल, वो जाहिर है ये सेकंड वेरिएबल इधर होना है या y2 हो सकता है या y3, तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। और हमने शुरू में ये भी देखा था ओरिजिनल प्रॉब्लम में 3 कंस्ट्रेंट्स थी तो कितने वेरिएबल्स होने चाहिए थे, 3 ही वेरिएबल्स डुअल में होने चाहिए थे, जबकि इधर 4 थे। तो इसका मतलब है ये जो 2 वेरिएबल्स हैं ये मर्ज किया जा सकता है। और अनरिस्ट्रिक्टेड को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड आप देख लें, ये y2 y3 के केस में आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में y2 y3 सेम कोएफिशिएंट के साथ हैं बट विथ डिफरेंट साइन, ये माइनस है ये प्लस है। इधर आप देखें दोनों कोएफिशिएंट सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, ये रिवर्स हो सकते हैं, माइनस इधर आ सकता है, प्लस इधर आ सकता है, माइनस इधर, लेकिन ये चीज़ कॉमन है कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा और उनके कोएफिशिएंट सेम होंगे। तो ये भी देखें यहाँ भी सेम है। इससे ये पता चला कि y2 और y3 को मर्ज करके किसी एक वेरिएबल में रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर हम y2 और y3 को मर्ज करें तो मैं इधर लिख रहा हूँ रिप्लेस y3 माइनस y2। अच्छा देखिए मैंने रिप्लेस करना है, इन दोनों को की जगह एक लिखना है, तो मैं y2 माइनस y3 भी लिख सकता हूँ और y3 माइनस y2 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है तो मैक्सिमम में ये माइनस साइन प्लस होना चाहिए, तो इसलिए मैं प्लस फॉर्म लेने के लिए यहाँ एक अजम्पशन लूँगा कि y3 माइनस y2 इसको मैं न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा जिसको कहूँगा y2 डैश। तो y2 डैश अगर मैं इसको इक्वल समझूँ y3 माइनस y2 के, तो नोट कीजिएगा अनरिस्ट्रिक्टेड की फॉर्म किस तरह से यहाँ से एक्सप्लेन की जा सकती है। y2 डैश अनरिस्ट्रिक्टेड है जबकि उसमें जो डिफरेंस है दो वेरिएबल्स का y3 माइनस y2 वो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं, यानी ये वेरिएबल्स दोनों पॉजिटिव ही हैं, लेकिन जिन दोनों के डिफरेंस को आप y2 डैश से रिप्लेस कर रहे हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। अनरिस्ट्रिक्टेड कैसे होगा, आपके पास y3 अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ये 5 है और ये 2 है, यानी y3 इज़ लार्जर देन y2, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो y2 डैश
पॉजिटिव वेरिएबल के तौर पे बिहेव करेगा, यानी वाई टू डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के तौर पे बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये स्मॉलर है और ये लार्जर है, यानी ये टू है और ये फाइव है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव। तो वाई टू डैश एक ही वक्त में, ये डिपेंड करते हैं इनकी वैल्यूज़ पे, हैं तो दोनों पॉजिटिव, लेकिन अगर ये लार्जर है तो इस ये वाई टू डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के तौर पे बिहेव करेगा, और अगर ये स्मॉलर है इससे तो आपका वाई टू डैश लेस देन इक्वल टू के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का मतलब है इसका डुअल बिहेवियर होगा, एक बिहेवियर ये एक ही वक्त में लेस देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और उसी प्रॉब्लम के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल अगर आप लें तो कई प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में जिसमें कोई कुछ वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होते हैं, यानी उसी मॉडल के अंदर वो कभी डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, तो उनका बिहेवियर नेगेटिव भी हो सकता है और उनका बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है। जो वेरिएबल पॉजिटिव हैं वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के साथ लिखे जाएंगे, जो नेगेटिव हैं तो उनको लेस देन इक्वल टू जीरो के साथ लिखे जाएंगे। जिनका बिहेवियर उस प्रॉब्लम में डबल होगा, यानी वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, तो उसको हम ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ना सिर्फ लेस देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, बल्कि उनका डुअल बिहेवियर, और उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम अनरेस्ट्रिक्टेड या अनकंस्ट्रेंड जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देखें इसमें अगर आपका प्रॉब्लम था ओरिजिनल सेकेंड कंस्ट्रेंट इक्वल थी, तो सेकेंड वेरिएबल आपका अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। वो हमें प्रॉब्लम में नज़र भी आ गया कि ये वाई टू और वाई थ्री मिल के सेकेंड वेरिएबल वाई टू डैश बना सकते हैं, तो क्योंकि इसमें ये कोएफिशिएंट सेम है, तो हम अगर इसमें सिक्स कॉमन लें, और जैसे मैंने कहा मैंने वाई थ्री माइनस वाई टू लिखा हुआ है, वाई टू माइनस वाई थ्री नहीं सपोज किया, तो वाई थ्री माइनस वाई टू, तो ये वाई थ्री माइनस वाई टू, तो ये प्लस में प्लस सिक्स कॉमन है, वाई टू डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम लिया वाई थ्री माइनस वाई टू, तो ये क्योंकि प्लस इधर है माइनस इधर है, इसको अगर वाई थ्री इधर ले आए और वाई टू उधर ले आए तो माइनस कॉमन निकलेगा, और ये वाई थ्री माइनस वाई टू आपका बन जाएगा ये 0.5 कॉमन, ये माइनस साइन कॉमन, तो माइनस 0.5 वाई टू डैश। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ भी वाई थ्री माइनस है और ये वाई टू प्लस है, तो आप माइनस कॉमन माइनस 0.5 कॉमन लें, तो इन साइड वाई थ्री माइनस वाई टू बन जाएगा, तो उसको आप माइनस 0.5 वाई टू डैश से रिप्लेस किया जा सकता है। जब आप इनको रिप्लेस कर देंगे तो आपने वाई टू डैश लिया हुआ है, इसका डबल बिहेवियर है, तो आप इस साइड पे इन दोनों की जगह पे लिख देंगे वाई टू डैश अनरिस्ट्रिक्टेड। तो सेकंड फॉर्म भी हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी कि अगर सेकंड कंस्ट्रेंट ओरिजिनल प्रॉब्लम में इक्वल है तो उससे एसोसिएटेड जो वेरिएबल है, जो हमने वाई टू डैश अब ले लिया, वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, तो हमने वो भी अपने डुअल प्रॉब्लम को वहाँ तक ले आए। अब हमारा डुअल प्रॉब्लम पहली कंडीशन को भी मीट कर रहा है, दूसरी कंस्ट्रेंट को भी वेरीफाई कर रहा है। पहली कंस्ट्रेंट थी अनडिजायरेबल मिनिमम के हिसाब से, तो हम उसको ले आए अनडिजायरेबल वेरिएबल तक। सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल, तो हम उसको ले आए सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड। और थर्ड फॉर्म ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, तो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट मिनिमम के हिसाब से डिजायरेबल है, तो ये क्या ये एक्सपेक्ट क्या करेगी? अगर थर्ड कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है तो थर्ड वेरिएबल डुअल में जो इससे एसोसिएटेड है वो भी डिजायरेबल होना चाहिए। तो थर्ड वेरिएबल देखते हैं, ये फर्स्ट वेरिएबल था, ये सेकंड, नाम तो इसका वाई फोर है लेकिन असल में ये थर्ड वेरिएबल है, तो थर्ड वेरिएबल पहले से ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये डिजायर्ड फॉर्म में है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अभी हमने अपने प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट वाइज सबको चेक कर लिया, फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल, डुअल वेरिएबल अनडिजायरेबल, सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल और डुअल में सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, थर्ड कंस्ट्रेंट आपकी डिजायरेबल, तो
तो आपका थर्ड वेरिएबल ड्यूअल में भी डिज़ायरेबल। तो आपकी यहाँ तक फॉर्म आपकी आ चुकी है और इसको हम इसी पार्ट को आगे लेके जाते हैं अगले स्टेप में। तो अब देखें, ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ तक आ चुका था कि आपकी ये पहला अनडिज़ायरेबल कंस्ट्रेंट ओरिजिनल से अनडिज़ायरेबल वेरिएबल, दूसरा ओरिजिनल प्रॉब्लम में इक्वल से अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल ड्यूअल में, और ये चेकिंग थी कि थर्ड कंस्ट्रेंट ओरिजिनल प्रॉब्लम में डिज़ायर्ड थी तो ये भी डिज़ायर्ड। यहाँ तक तो ये चीज़ें पूरी हो गई, लेकिन दूसरा चेक अभी बाकी है वेरिएबल्स का। कंस्टेंट्स को हम वन बाय वन चेक कर चुके हैं, इस कंस्टेंट को चेक किया, इसका, और सारे वेरिएबल्स उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिए। अब वेरिएबल्स के हिसाब से भी आपने देखना है कि ये वेरिएबल अगर डिज़ायरेबल हैं तो डुअल में उनकी कंस्ट्रेंट भी डिज़ायरेबल होनी चाहिए, तो वेरिएबल्स का चेक भी उसी तरह ज़रूरी है। तो अब हम वेरिएबल्स की तरफ आ रहे हैं कंस्ट्रेंट्स के बाद। तो वेरिएबल का रूल है एक्स वन आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो डिज़ायरेबल, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो डिज़ायरेबल ही होते हैं, प्रॉब्लम मिन या मैक्स देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक्स वन डिज़ायरेबल है तो एक्स वन प्रॉब्लम डुअल में फर्स्ट कंस्ट्रेंट आएगी। तो फर्स्ट वेरिएबल इन ओरिजिनल प्रॉब्लम, और ये किससे एसोसिएटेड होता है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ डुअल में। तो ये अगर डिज़ायरेबल है तो डुअल की फर्स्ट कंस्ट्रेंट भी डिज़ायरेबल होनी चाहिए। तो ये आपके पास प्रॉब्लम वेरिएबल की हद तक एडजस्ट हो गया था। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट वेरिएबल ओरिजिनल प्रॉब्लम में डिज़ायरेबल, तो डुअल में कंस्ट्रेंट भी डिज़ायरेबल होनी चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट फर्स्ट कौन सी है, ये वाली डुअल की, ये ग्रेटर देन है मैक्सिमम के साथ, ये अनडिज़ायरेबल है, इसको डिज़ायरेबल बनाना है। क्योंकि हमारा रूल ये है कि अगर आपका वेरिएबल ओरिजिनल प्रॉब्लम में डिज़ायरेबल है तो डुअल में फर्स्ट कंस्ट्रेंट भी डिज़ायरेबल होनी चाहिए। तो डुअल की फर्स्ट कंस्ट्रेंट ये है, ये ग्रेटर देन है, जबकि मैक्सिमम ये एक्सपेक्ट करता है कि इसकी डिज़ायर्ड फॉर्म लेस देन होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको रिवर्स करना है तो वही मेथड, इस इनइक्वालिटी को रिवर्स कर लें, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड्स को। ये मैंने इधर इससे रिक्वायर्ड फॉर्म इधर लेने की कोशिश की है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये सारे प्लस हो गए और ये राइट हैंड साइड भी प्लस हो जाएगी। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो इस फॉर्म को आप देखें, फर्स्ट वेरिएबल ओरिजिनल में अगर डिज़ायरेबल है तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट डुअल की भी डिज़ायरेबल होनी चाहिए। इधर ज़रा ये मैं गलत लिखा गया, डिज़ायरेबल जी। अब दूसरे वेरिएबल को चेक करना है, सेकंड वेरिएबल अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में डिज़ायरेबल है तो डुअल में सेकंड कंस्ट्रेंट भी डिज़ायरेबल होनी चाहिए। और सेकंड कंस्ट्रेंट कौन सी है, ज़रा इसको आगे लिख लेते हैं, वो जहाँ तक हमने एडजस्ट कर लिया उसका ये रिज़ल्ट है सेकंड कंस्ट्रेंट। तो सेकंड वेरिएबल एक्स टू क्योंकि डिज़ायरेबल था तो डुअल की सेकंड कंस्ट्रेंट भी डिज़ायरेबल होनी चाहिए, जबकि इधर देखें ये अनडिज़ायरेबल है, ग्रेटर देन मैक्स के हिसाब से अनडिज़ायरेबल होता है। इसका मतलब इसको भी डिज़ायरेबल बनाना है। तो दोनों साइड्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये देखें इसका रिज़ल्ट मैंने ये ले लिया। अब ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, क्योंकि हमने सब कंस्ट्रेंट्स को चेक कर लिया ओरिजिनल प्रॉब्लम में और डुअल में वेरिएबल एडजस्ट कर दिए, सारे वेरिएबल्स को चेक कर लिया प्राइमल में ओरिजिनल में, और उसके हिसाब से डुअल की कंस्ट्रेंट्स को डिज़ायरेबल बना दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ये वाला। तो इसको बड़े आराम से चेक किया जा सकता है। मैं अभी, ये हमारा फाइनल आंसर है, ज़रा चेक करते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम मेन है, ड्यूअल में मैक्स होना चाहिए, मैक्स, ज़ाहिर है मैक्स करने के लिए हमने कुछ ऑपरेशंस के ज़रिए किया। फर्स्ट, अब कंस्ट्रेंट वाइज चेक करते हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिज़ायरेबल, फर्स्ट वेरिएबल अनडिज़ायरेबल, ये भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। सेकंड कंस्ट्रेंट
इक्वल, सेकंड वेरिएबल डुअल में अनरिस्ट्रिक्टेड, ये भी होगी। थर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम के हिसाब से डिजायरेबल है, तो थर्ड वेरिएबल डुअल का भी डिजायरेबल है। ये तो था कंस्ट्रेंट्स और उनके अगेंस्ट डुअल के वेरिएबल एडजस्ट किए। अब वेरिएबल्स को के अगेंस्ट डुअल की कंस्ट्रेंट को चेक करना है। वेरिएबल एक्स वन ग्रेटर देन डिजायरेबल, फर्स्ट कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल, मैक्स लेस देन इक्वल टू। सेकेंड वेरिएबल डिजायरेबल, सेकेंड कंस्ट्रेंट डुअल की भी डिजायरेबल, डिजायरेबल। तो सारी चीज़ें चेक कर ली हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी चेक कर लिया, कंस्ट्रेंट्स को भी वन बाई वन चेक कर लिया, और वेरिएबल्स को भी वन बाई वन ओरिजिनल प्रॉब्लम में चेक कर लिया, और डुअल अब हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म में है। ये आपका है फाइनल आंसर।